नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पाठक। पिछले कुछ दिनों से मैं नेपाल भ्रमण पे था, तो मैंने यहाँ की कुछ वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ की मार्केट की है, बैतडी जिला पटन बाजार। तो आज हम जा रहे हैं माँ भगवती मंदिर मलौली करके, आपको दिखाते हैं यहाँ का अच्छा व्यू। तब तक आप सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। घर बता मैं तेर तू कांच जाने वाली लागू चे कुमुख का भय मैं कब तू गढ़वाली कांच। तो गाइस, जैसे ही मैं पहुंचा तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया था, क्योंकि यहाँ का इतना अच्छा व्यू। मंदिर तो बहुत ऊपर था, पर नीचे का व्यू इतना अच्छा था कि बता नहीं सकता आपको। बारे में कई लोगों से जानने की भी कोशिश की, पर उनकी भाषा मेरे समझ नहीं आई, पता नहीं। पर जितना जानता हूँ, जितना मैं सच्चा जानता हूँ, सब पता था। नजरें एक जगह टिकने का नाम नहीं ले रही थी, पर हमें और चढ़ाई चढ़नी थी। आगे लगे थे केटा केटी, जो यहाँ के लड़के लड़की को कहते थे। मेरे साथ थे अंकल, अंकल नेपाली थे, एक बच्चा था मेरे साथ। तो यूँ ही चलते चलते मैं सबसे आगे निकल गया था। मैं इन हसीन पलों को, इन हसीन वादियों को अपनी यादों के साथ साथ अपने कैमरे में कैद करके ले जाना चाहता था। पता नहीं फिर कब आना होगा नेपाल में। काफ़ी अच्छा प्लेस था ये, और दिखाता हूँ आपको। कई पीछे होंगे वो लोग, कई पीछे चले गए थे मेरे से, मैं कहीं आगे निकल गया था। हालांकि वीडियो बनाते बनाते अंकल मेरे से आगे निकल गए थे, लेकिन मैं ये अंकल आगे निकल गए थे। बस मैं पहुंच ही गया था, अब बारी थी मंदिर के दर्शन करने। मिलते हैं, ये मंदिर है कि भी दिखा था। इंडिया के सात, बताते हैं कि सात भगवती, जो कि तीन भगवती हैं और चार भगवती हमारे इंडिया में बैठे हैं। तो पूरा मंदिर उसी से ठंडा काफ़ी इधर, क्योंकि ये टॉप में एकदम, पर मज़ा बता रहे हैं। यहाँ का भी अभी तक देखने लायक था, अभी बस हिमालय दर्शन कर सकते हो। मैं ऐसे वीडियो फर्स्ट टाइम टेक कर रहा था, यानी फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा था, तो ज़्यादा बोलना मेरे को आता नहीं। पर मैं आपको बता देता हूँ कि माता मलाई को माँ त्रिपुरा देवी की बहन के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे कई बार मेले का आयोजन भी किया जाता है, और यहाँ पे मेले में जो त्रिशूलें आती हैं डोली के साथ, वो यहाँ पे चढ़ाई जाती है। और त्रिशूलें हैं और झंडे हैं और काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, कटरे की बलि दी जाती थी। वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। मंदिर के चारों तरफ घंटियाँ बजी थी और झंडे लगे थे, काफ़ी नजर आएगा आपको, मज़ा ही आ गया। मतलब नायक बिष्ट भाट भट्ट अनी ठकुरी Thank you.
वहाँ से निकलते निकलते हमें कहीं रात हो गई थी, तो मैं उससे आगे वीडियो बना नहीं पाया। तो गाइस ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बस अगले दिन हमें पिथौरागढ़ आना था, तो मुझे रास्ते पे ही अच्छा सा नज़ारा देखने को मिला, तो मैंने इसे भी अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसे देख के लग रहा था कि जैसे हम बादलों से ऊपर चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का भी। मन कर रहा था कि गाड़ी रोक के वहाँ फोटो खींची जाए, पर हमारे पास टाइम कम था, हमें जल्दी से पिथौरागढ़ पहुँचना था। पर मैं ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते आया। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।